सो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए फिर से नोएडा एक्सपो सेंटर से। और आज यहाँ पे लगा है लेबल एक्सपो 2022। आज आपको मैं ऐसी कंपनी के पास लेके आया हूँ जो कि लेबलिंग में डील करती है और चंडीगढ़ बेस है। अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको वेबसाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, सारी चीजें डिटेल में दे दूंगा। B2B में आना चाह रहे हैं तो अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है ये, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव बिजनेस वीडियोस आते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? गुड सर। प्लीज अपना नाम बताएंगे ऑडियंस को हमारी। मैं राहुल सहगल बोल रहा हूँ, मैं यूनाइटेड लेबर प्रोडक्ट्स से। हमारी कंपनी मोहाली में ये सब मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। तो क्या ये मशीन्स आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो पहले आप बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं पूरा। तो हम लोग काफी मेहनत से ये मशीनें कई कई महीने और कई कई साल लगा के डेवलप करते हैं। ओके। और उसके बाद उनको ट्रायल करते हैं और फिर कस्टमर्स के यहाँ पे भी उनकी ऑनलाइन ट्रायल करके और उनको फिर मार्केट में डालते हैं। ठीक है। तो गाइस अभी शोकेस जो किए हैं सर ने प्रोडक्ट, वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ और एवरीथिंग प्रोडक्ट की मैं डिटेल आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके और सर से जुड़ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं लेबल डिस्पेंसर से। तो ये लेबल डिस्पेंसर बेसिकली कोई भी पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी जल्दी लेबल्स जहाँ लगाने हो तो वहाँ पे लगा के ये लेबल्स लगा सकते हैं। इससे काम तेज और बड़ी एक्यूरेसी से हो जाता है। तो ये छोटी सी मशीन्स हैं जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट को काफी हेल्प करती हैं। तो आप लेबल निकाल के किसी भी बॉटल पे, किसी भी पैकेट पे आप इसको लगा सकते हो। तो ये क्या मेंशन कर रहा है सर यहाँ पे जो दिखा रहा है? यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि इसके अंदर कितने लेबल निकल चुके हैं, ताकि आप देख सकें कि कितने प्रोडक्ट्स आज पैक हो चुके हैं। फिर आप जब ये प्रोडक्ट्स पैक हो जाएंगे तो आप फिर इनको रीसेट में डाल के जीरो कर सकते हैं, दोबारा नेक्स्ट बैच चालू कर सकते हैं। तो ये यूज कैसे होता है, मतलब ये चार्जेबल होता है या इलेक्ट्रिसिटी से? ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, 220 वोल्ट से, और बहुत ही सिंपल है ये यूज करने के लिए। तो इसमें मतलब लेबल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो उसमें इशू नहीं आने वाला? इसमें क्या होता है कि लेबल एक तो ऑटोमेटिकली लेबल निकल जाता है और दूसरा इसका वेस्ट नीचे गिर जाता है। तो आदमी का जो निकालने का टाइम होता है उसमें एक दो सेकंड कम हो जाता है, तो शाम तक उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। मतलब टाइम सेविंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। 100%। चलिए आगे चलते हैं। आगे यही एक अलग अलग मॉडल्स हैं। ये बड़े मॉडल थे, ये उससे छोटा मॉडल है जो कि छोटे लेवल के लिए काम आता है और थोड़ा सा किफायती भी है। अब बात की जाए छोटी से, अगर इसकी बात कर लें, कोई अगर काम शुरू करना है, कॉस्टिंग क्या पड़ती है इसकी? अगर इसकी कॉस्टिंग 12,000 से लेके 15,000 तक की कॉस्टिंग है और बड़े लेबलर्स की थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं आगे भी देख लेते हैं क्या क्या है और प्रोडक्ट्स। ये एक पहली चीज हमने बनाई है, इसके अंदर लेबल डिस्पेंसर भी है और साथ में एक प्रिंटर भी लगा हुआ है। तो कई ऐसी कंपनी होती हैं जो छोटा और मीडियम काम करती हैं, इसमें ऑटोमेटिक लेबलिंग नहीं होती, इसमें ये लेबल दे भी देता है और प्रिंट भी कर लेता है डेटा। तो उसमें क्या होता है कि आदमी किसी भी पैकेट पे डायरेक्टली लगा सकता है, उसको प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, ये डिस्प्ले में क्या शो हो रही है? ये डिस्प्ले में ये चीज शो हो रही है जो प्रिंट करनी है, इसको आप बड़े आराम से यहाँ टच स्क्रीन में टच करके और आप इसको चेंज कर सकते हैं डेटा अपने आप। ठीक है, तो कस्टमाइज करके कोई भी अपने डेटा, मतलब कोई भी डेट में मेंशन कर सकते हैं इजीली। और इसका भी क्या प्रोसेस रहता है कि इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है इस वाली मशीन? जो इसकी प्रोसेस है कि इसकी प्राइसिंग ऐसे पड़ता है कि ये काफी किफायती पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली रेंजिंग फ्रॉम 35,000 to 40,000 rupees। ठीक है, आगे। ये एक बॉटल लेबलर है, इसमें आप कोई भी अगर बॉटल रखते हैं, आपने लेबल करनी हो, इसको यहाँ रखिएगा, इसको दबाइएगा और ये लेबल हो गया। प्लीज दिखाएंगे कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये लेबल हो गया, बिल्कुल सीधा लेबल लगाने के लिए और अच्छी क्वालिटी में लेबल लगाने के लिए, साथ में बैच कोड भी प्रिंट हो गया इसमें। और ये बहुत ही किफायती मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन कई लाखों रुपए की आती है, जबकि ये मशीन 60-70,000 में लोगों को मिल जाती है। तो ठीक है, मतलब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ये, कोई भी अगर अपने बिल्कुल के लिए बिल्कुल किसी ने भी अगर स्टार्टअप करना है और इवन बड़ी कंपनी भी अपने छोटे काम करने के लिए इनको यूज कर सकती है। ठीक है, और इसके कुछ और फीचर्स मुझे बताएंगे इसमें क्या और कितना, मतलब प्रोडक्शन, मतलब कितना है इंक में कितना चल जाता है? तो इसमें ऐसा है की जो प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो 8 घंटे के अंदर 3,000 से 4,000 बॉटल्स आप इसमें लेबल कर सकते हैं। अगर 2 शिफ्ट में जाएंगे डेफिनेटली डबल हो जाएगी। तो इसका मेन जो काम है वो है कि लेबल को सीधा लगाना और सही जगह पे लगाना, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज की क्वालिटी से मैच करे। और इसका जो इनका वोट होता है, कई बार होता है लेबल मिट जाता है इंस्टेंटली, तो इसमें नहीं, इसके अंदर जो है अभी पेपर लेबल के लिए अंदर इसके अंदर अलग कार्ट्रिज यूज हो रहा है, और अगर इसके पॉलिएस्टर के लेबल होंगे तो उसमें ऐसी इंक होगी जो पॉलिएस्टर के ऊपर ठहर जाएगी और नहीं मिटेगी।
बहुत ही बढ़िया एक मशीन बनी हुई है और इसमें बॉक्स या बॉटल्स दोनों ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। आप कोई भी चीज़ सामने रखेंगे इसके ऊपर ये लेबल लग जाएगा। अगर आपका प्री प्रिंटेड लेबल है वो भी लग जाएगा, और लेबल के ऊपर कुछ प्रिंट करके लगाना है तो इसके ऊपर एक प्रिंटर लगा हुआ है, उसको प्रिंट करके इसके ऊपर एक्यूरेटली बिल्कुल सीधा लगा देगा। ठीक है, ये इसका रोल है, ये इसका रोल है जहाँ से आप बड़ा जंबो रोल डाल सकते हैं 3000 से 4000 लेबल तक, ताकि ये काफी एक दो घंटे तक चलता रहे। चेंज ओवर इज इजी। ठीक है, और इसमें और क्या क्या जो यूनिक इसके प्रोडक्ट हैं, ये क्या मेंशन शो कर रहा है यहां पे डिस्प्ले? एक इसके अंदर टीकियो प्रिंटर लगा हुआ है। कुछ भी चीजें आप इसके ऊपर से ओवर प्रिंटिंग करना चाहें या कोई भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन डालना चाहें वो इस प्रिंटर के थ्रू डाल सकते हैं। ये उसकी टच स्क्रीन है, बड़े इजीली आप टच करके इसको अपना डेटा इसमें से डाल सकते हैं या USB से लेके इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज करके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें लगानी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये कुछ बड़ी मशीनें हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में लगती हैं। इसमें ये वहाँ लगती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैकेजिंग हाई स्पीड पे हो रही है। ये एक टेस्ट टेबल है, इसके बजाय कन्वेयर होता है यहाँ पे, और डब्बे जो है चलते रहते हैं और यहाँ से लेबल होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। एक घंटा या बोल सकते हैं एक दिन में कितने लेबल ये कर देती है मशीन? ये मशीन कोई तकरीबन एक दिन में और नहीं तो 15-20 हज़ार लेबल बड़े आराम से लगा सकती है। 15-20 हज़ार एट हाई स्पीड, एक मिनट के अंदर कम से कम 10 से लेकर 20 लेबल लगा देती है। तो स्पीड अपने हिसाब से कर सकते हैं कितना? स्पीड अपने हिसाब से, जिस स्पीड से चलेगी वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी मशीन। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ से निकल के जाता है इसका? ये अगेन यहाँ से रोल निकलता है, अंदर जाता है प्रिंटर के, स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए वेब को, और यहाँ से लग के फिर इसका जो खाली मटेरियल होता है यहाँ पे लिपट जाता है। ये सामने क्या मशीन है देखिए? ये एक बहुत ही बढ़िया मशीन है और एक कई जगह में चल रही है, स्पेशली बैंगलोर मैसूर में जहाँ बड़ी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसका क्या है कि ये बहुत आगे जाके लेबल लगा देता है, नियरली इसकी जो रेंज है 1 मीटर आगे है। तो ये भी क्या करता है, एक प्रिंटर लगा हुआ है, ये प्रिंटर प्रिंट करके इसको वैक्यूम हेड को लेबल देता है और ये आगे जाके पैकेट पे लेबल लगा के आ जाता है ऑटोमेटिक कन्वेयर। ये क्या इंडिकेशन दे रखे हैं? ये इंडिकेशन दे रहा है कि इट इज रेडी टू गो। अगर कोई एरर आएगा तो रेड हो जाएगा, अगर कोई चीज लग रही होगी तो ग्रीन हो रही होगी, और ऑरेंज भी कुछ बचाएगा सम एरर। ठीक है, तो इसका भी क्या रहता है डेली यूसेज का, मैं कितना कर देता है? इसका है, इसका बेसिकली इसका काम कुछ और है। ये बड़े शिपर्स के ऊपर लेबल लगाने के लिए होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार लेबल दिन के लगा सकता है एक्यूरेटली एट द राइट प्लेस। ठीक है, और प्राइसिंग की बात की जाए, इसकी प्राइसिंग क्या बन जाएगी? इट प्राइसिंग इज अ इंडस्ट्रियल मशीन, सो इट्स प्राइसिंग इज रेंजिंग फ्रॉम 4 to 5 lakh rupees। 4 to 5 lakh अप्रोक्सीमेटली। क्या कोई अगर जस्ट काइंड ऑफ मंगाना चाह रहा है तो उसके क्या कोरियर चार्जेस वगैरह भी डिपेंड होते हैं कैसे? कुछ फ्रेट चार्जेस इसमें लगते हैं जो कि बड़े नॉर्मल से होते हैं, बिटवीन 10 to 15,000 rupees। इट कैन बी शिप्ड ऑल ओवर इंडिया। सो फाइनली सर, आपने प्रोडक्ट जो शोकेस किए हैं, तो आप हमारे व्यूअर को बताएं कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है B2B में, तो ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है? आप हमारे को, हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम आपको नंबर देंगे, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम है यहाँ पे, इंजीनियर है, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डील B2B एंड वी हैव स्पेशल रेट्स ऑल्सो फॉर डीलर्स, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। वील गिव यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड यू कॉन्टैक्ट अस ऑन ईदर बाई ईमेल और बाई फोन। तो वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज अगर बता देगी तो ईजी हो जाएगा हमारे। माई वेबसाइट एड्रेस इज www.thermalribbonindia.com एंड माई मोबाइल नंबर इज 9888033026। ठीक है, अगर कोई भी अगर आपकी फैक्ट्री में आके एक बार विजिट करना चाहे तो आप देख सकता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। हम वेलकम करते हैं, कोई भी आके हमारी फैक्ट्री में आके हमारे प्रोडक्ट देख सकता है, उसके डेमो ले सकता है, उसको ट्रायल कर सकता है, दिन भर उसको लगा के देख सकता है, एंड देन अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद खरीद सकता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डिटेलिंग दी। थैंक यू सर।